हेलो एवरीवन, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विद्या बालन ने बताया कि उनकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ था जिसके चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, बहुत तरह के डाइट प्लान्स उन्होंने फॉलो किए, लेकिन उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा उनको नहीं मिल रहा था। फिर उनको अचानक से ये पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस हैं जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन था, वो वेट नहीं था। इसी के दौरान उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स जो होते हैं वो अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस किए, जिसके बाद उनको बिना इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज किए, बिना इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स को फॉलो किए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और आज ऐसी ही एक ड्रिंक, ऐसी ही एक टी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी बात बताने वाली हूँ जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेशंस जो होते हैं वो खाली आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी को ही नहीं लेकर आते हैं, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरह के हॉर्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड, PCOD, डायबिटीज़ या फिर ऑटो इम्यून डिजीज तक को भी ट्रिगर कर देते हैं। तो इसीलिए अपनी बॉडी को डे टू डे लाइफ में या डे टू डे आप कह सकते हैं पैटर्न के साथ आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी ड्रिंक या फूड आपको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखना चाहिए ताकि डेली बेसिस पर आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे और इन्फ्लेमेशंस जो कि बहुत सारे की बीमारियों का कारण होता है वो भी आपकी बॉडी से निकलता रहे। अगर आप पर्सनल डाइट प्लान्स भी लेना चाहते हैं तो भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर आप अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, अपने PCOD अगर आपको है तो उसको भी रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट प्लान्स, या फिर आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ करंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे साथ किचन में और बनाते हैं वो इजी सी ड्रिंक जिसके बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो एक बार बनाने की है और 8 से 10 दिन उसको आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके सिर्फ फटाफट से बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ किचन में और बनाते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक। बेसिकली इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने जो लिया है ये एक शॉर्टकट भी है जो वर्किंग होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, ये कि आप बनाकर रख लीजिए और आपको सिर्फ मॉर्निंग में जस्ट जो है उसको बॉईल करना है थोड़ा सा निकाल के एंड इट्स गुड टू गो। तो मैंने इसके साथ लिया है ये कच्ची हल्दी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, थोड़े से मैंने लिए हैं ये करी पत्ते और इनको मैंने वॉश करके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और इसके साथ मैंने एक लिया है अदरक का टुकड़ा ये, और जो नीचे आप देख रहे हैं ये सब कुछ आंवला है, ये सारा आंवला है, काफ़ी देर पहले कटा था, थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है येलो। तो ये इसके साथ एक चीज़ अच्छी ये भी है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आंवला ज़्यादा लें कच्ची हल्दी ज़्यादा लें, पर ये कॉम्बिनेशन जो है वो सही काम करता है। कच्ची हल्दी जो होती है इन्फ्लेमेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, अदरक भी अगेन इन्फ्लेमेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, करी पत्ता इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा होता है और जो लोग करी पत्ता खाते हैं उन लोगों के लिए जो है उनका B12 कभी डाउन नहीं होता, आयरन लेवल्स अच्छे रहते हैं, और आंवला तो आप सब जानते ही हैं गुणकारी औषधि है, बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है आंवला, विटामिन सी में बहुत रिच होता है और जिसमें आयरन हो उसमें विटामिन सी हो तो एब्जॉर्बेंट जो होती है वो उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इन सबको हम ब्लेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके साथ एक और चीज़ जो है वो ऐड करूँगी इसमें जब इसको हम ब्लेंड करेंगे, ये है थोड़ी सी काली मिर्च, आप देख सकते हैं मैंने अकॉर्डिंगली लिया है, जितना मैंने सामान लिया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इतनी जो है वो काली मिर्च इसके अंदर डाली है, और ये थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी को अगर बहुत ज़्यादा जलन होती है या कुछ होता है तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर करी पत्ते जो हैं ये थोड़ी छोटी डंडियाँ हैं तो मैं इनको डंडी समेत ही डाल रही हूँ, और साथ साथ जो ये बना हुआ है मेरा पूरा मिक्सचर ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और मैं इसको बाद में करूँगी सबको एकदम फाइनली ब्लेंड। तो चलिए देखते हैं। सो ये देखो ये मैंने पीस लिया है, थोड़ा इसमें मैंने पानी डाला था तो आप कलर भी देख सकते हैं इसका येलो, और इसको मैंने पीसा थोड़ा पानी डाल के, इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ग्रेन्यूल्स रह जाते हैं तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हम इसको जिस तरीके से लेंगे वो इसमें सारी क्वालिटीज़ जो हैं इसकी जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपको सुबह सुबह मिलेंगी, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसको आप चाहे तो ये एक बोल है कांच का चीनी मिट्टी का इसके अंदर रख सकते हैं या फिर
फिर ऐसे जो कांच के जार्स आते हैं, मतलब कोई भी आपके घर में खाली हो गया, उसके अंदर आप डालकर उसको रख के और टाइट करके और आप फ्रिज में रख दीजिए उसको। जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो काफ़ी दिन तक ये चल जाएगा। तकरीबन कम से कम ये 10 दिन या 10-12 दिन 15 दिन तक भी आप इसको रख सकते हैं। वैसे ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ रख रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। इनके आप आइस क्यूब्स बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, सिलिकॉन की जो ट्रे होती है उसके अंदर आइस क्यूब्स बनाकर रख सकते हैं, तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। ये मेरा एक पैन है, इस पैन के अंदर मैंने ये डाला है तकरीबन 1 मग के करीब पानी, जितना मॉर्निंग में आप चाय कॉफ़ी या कुछ भी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 मग मैंने ये पानी इसके अंदर डाल दिया। और जैसे ये पानी बॉईल होगा उससे पहले ही आप इसके अंदर ये जो मिक्सचर है आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो क्या होगा धीरे धीरे ये इसी में कुक हो जाएगा। तो डालना कितना है, डालना उतना है जितना कि आइस ट्रे होती है ना हमारी सिलिकॉन की, तो एक बंदे के लिए जितनी आइस ट्रे में क्यूब बनती है बस उतना ही आपको 1 मग पानी के अंदर डालना है। तो ये क्या हो गया ना, बहुत इजी भी हो गया, आपको डेली डेली पीसना नहीं है, आपके पास बना बनाया है, बस आपने पानी में डाला और ये हल्का सा इसके अंदर ये गर्म होगा, या आप इसके अंदर एक उबाला भी दे सकते हैं और उसके बाद आप अपनी चॉइस से आप इसके अंदर सॉल्टी बनाना चाहते हैं उसके अंदर आप ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट डाल के भी ले सकते हैं, और अगर मीठा चाहिए तो आप इसके साथ जो है वो भी डाल सकते हैं, गुड़ या फिर शक्कर, शहद नहीं डालेंगे अगर आप इसको गर्म ले रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ये मैंने छान लिया है, इसके अंदर ये रेजिड्यू बचा है, इस रेजिड्यू को भी आप वेस्ट मत करो। इसके अंदर आप इसको आप जिस चीला बना रहे हो तो चीले में डाल दो, आटा मल रहे हो तो उसके अंदर डाल दो, तो इस ये कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा, आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो मेरी टी है ये पूरी तरीके से बनकर रेडी है। अब इस टी में आप चाहे तो आप इसके अंदर गुड़ की शक्कर या खांड डाल के ले सकते हैं, स्टीविया डाल के ले सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जो है भुना जीरा पिसा हुआ और काला नमक वगैरह डाल के उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप इसको किसी भी तरह ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको लगता है कि मुझे नहीं लेना है मीठा, तो आप इसको नमकीन भी ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है और इट्स गुड टू गो।